आज की कहानी का नाम है युद्ध का मतलब मौत। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनंद और उपसुनंद नाम के दो राक्षस थे। वे दोनों सगे भाई थे। उनकी बहादुरी के कारण आसपास के सभी राक्षस उन्हें राजा मानते थे। एक बार उन दोनों राक्षसों ने सोचा कि यदि हम इतने बहादुर हैं तो हमें तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लेना चाहिए। भैया, यदि हम तीनों लोकों का राजा बनना है तो पहले शिव जी की उपासना करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। छोटे भाई की बात मानकर उसी समय दोनों ने शिव जी की उपासना करना आरंभ कर दी। वह उपासना कई वर्षों तक चलती रही। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उन दोनों से वर मांगने को कहा। हे भक्तो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। इस समय तुम जो चाहो मांग सकते हो। स्वार्थ में दोनों राक्षसों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उन्होंने तीन लोगों का राज्य मांगने की बजाय शिव जी से कहा, देखिए भगवान, यदि आप हम दोनों पर प्रसन्न हैं, तो आप हमें पार्वती दे दें। शिव जी को उनकी बात पर बहुत क्रोध आया, किंतु वे तो वचन दे चुके थे। अब उस वचन का पालन करना भी अति आवश्यक था। इसलिए शिव जी ने पार्वती को उन दोनों के हवाले कर दिया। पार्वती को पाकर उन दोनों ने यह झगड़ा शुरू हो गया कि वह किसके पास रहेगी। बस इसी बात को लेके दोनों उलझ पड़े। उन दोनों का झगड़ा जब हद से ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा प्राणी होना चाहिए जो मध्यस्थ बनकर फैसला कर दे। शिव जी, जो दूर खड़े सारा तमाशा देख रहे थे, झट एक जटाधारी ब्राह्मण का रूप धारण करके सामने आ गए। ब्राह्मण को देखकर उन दोनों ने यह निर्णय लिया कि चलो इससे ही फैसला करवा लेते हैं। जैसे ही वे दोनों ब्राह्मण रूपी शिव जी के पास आए तो उन्होंने अपने झगड़े की सारी बात उन्हें सुनाते हुए कहा कि आप ही हमारा फैसला कर दे। अरे भाई, आप लोग क्षत्रिय हैं, इसलिए आप लोग का फैसला तो युद्ध से ही हो सकता है। ब्राह्मण की बात दोनों को लग गई। वे दोनों युद्ध के लिए तैयार हो गए। देखते ही देखते उन दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों ही एक दूसरे से बहादुर थे और दोनों ही पार्वती पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। अब दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। युद्ध का अंत तो बुरा ही होता है। अंत में लड़ते लड़ते दोनों राक्षस मारे गए। इसलिए युद्ध से कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं होता। इससे दोनों ही पक्षों की हानि होती है। अतः ऐसी स्थिति आने पर हमेशा समझौते की नीति अपनानी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।